दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर ऐसी बातों को लेकर के जो बातें शायद आपके बीच चर्चित ना होती होंगी, लेकिन उन बातों को लेकर सामने आना जरूरी है। जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का सोशल मीडिया हो, शशि थरूर हो या जो भी हो, फेसबुक और व्हाट्सएप का तो आपने मामला सुन लिया होगा, पुराना मामला हो गया होगा, लेकिन नया मामला आज कुछ और हो गया। जिस तरह से राहुल गांधी जी इन पर अटैक करते हैं, उनके जवाब या मीडिया पर चलाए नहीं जाते, लेकिन आज ऐसा हुआ जो वाकई में काबिले तारीफ था। समित पात्रा और रोहन गुप्ता की बहस थी, जिसमें उस बहस के अंश सुनने के बाद लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी थोड़े जागे जागे से हैं। उन्होंने समित पात्रा को दर्जी बोल दिया। कैसे बोल दिया, ये वीडियो सुन लीजिए। देखिए अमीश भाई, आज एक फर्जी डॉक्टर के मुंह से कविता सुन के बहुत अच्छा लगा। उनके दिल की पीड़ा जो है वो यही रहने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कहा है, देख लीजिए। नहीं नहीं, ये अगर व्यक्तिगत रूप क्या है, क्या व्यक्तिगत रूप की बात कर रहे हो? राहुल गांधी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा है। अगर राहुल गांधी के बारे में आप बोलिए ना, जो बोल रहा है सब फर्जी डॉक्टर हो, जो घर पे बैठे सुनोगे अच्छे से, और कुछ तुम तो फर्जी आदमी हो, तुम तो फर्जी आदमी हो भैया, इंसान ही नहीं हो। बिल्कुल मैं पूरा तुम तो हो ही नहीं। अच्छा मैं निवेदन कर रहा हूँ दूसरे की टर्न होगी तो ये बेचारे राहुल गांधी को बचा नहीं पाते हैं, सारा गुस्सा के मेरे पे उतारते हैं। अच्छा एक सेकंड, आप जात रही है, इनको बोलिए ये व्यक्तिगत ना हो। ठीक है, आपका पॉइंट टेकन है, आपने बोला ठीक है। रोहन गुप्ता, आप भी किसी को फर्जी मत कहिए, वो भी डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस करके आए हैं, आप अपनी बात को रखिए। इनको लाइसेंस है राहुल गांधी के बारे में बोलने का? नहीं, आपने लाइसेंस दे रखा है क्या? तो आप भी तो मोदी जी के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी के, राहुल गांधी भगवान है क्या? राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे तो सुनेंगे, ये फर्जी डॉक्टर है, मास्क सिलते रहो घर पे बैठ के, समझ गए बात को? और दूसरा चलो चलो बोलो, कमल अब मुझे ही गाली देते रहो। उदाहरण आपके सामने बैठा है, और देखिए ये व्यक्ति जो 18 बार पकड़ा गया है झूठ बोलते हुए सोशल मीडिया में, वो आज फेक न्यूज पे डिस्कस कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, खड़े होके चले जाना चाहिए। अब दर्जी बोल दिया तो दर्जी बोल दिया, अब दर्जी तो थे ही, और समित पात्रा खिसे आ गए उस मामले में। अमीश देवगन भी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि राजीव त्यागी की मौत के बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं का इन चैनलों पर जाना चल रहा है, जैसे लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसा गठबंधन हो गया हो जो इन प्रवक्ताओं को भेजना जरूरी हो। कायदे में जिस तरह से बहिष्कार किया गया था गोदी मीडिया का, उस तरह से बहिष्कार जारी रखना चाहिए था। क्या आप सहमत हैं इस बात से? लेकिन आज रोहन गुप्ता ने जिस तरह से डॉक्टर के अलावा दर्जी बोला, वो वाकई में काबिले तारीफ था और उनको क्लैपिंग के लायक था। रोहन गुप्ता ने समित पात्रा की बहुत बुरी तरह से उतार दी, उनको यहाँ तक बोल दिया कि नकली फर्जी डॉक्टर की डिग्री लेकर के ये आए हैं। खबरें तो बहुत हैं, खबरें ये भी हैं कि अमित शाह फिर से भर्ती हो गए, खबरें ये भी हैं कि चाइना का जो नक्शा था वो गायब हो गया जो विवादित क्षेत्र का था। ये अगला वीडियो हो सकता है दोस्तों, लेकिन रोहन के बारे में जो बोलना था, शॉर्ट वीडियो, प्यारा सा वीडियो आपके समक्ष, जो आप पसंद कर सके, क्योंकि आपको लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं है। चलिए इस वीडियो का और इस टिप्पणी का एंजॉय लीजिए, अपनी भी टिप्पणी कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, और हाँ, मेंबर्स के लिए ये कल के बाद लागू हो जाएगा, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए जरूर याद करके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।